अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त करीमाबाद पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे अंडरपास का काम स्टार्ट किया गया है। आज मैं आपको यहाँ की लेटेस्ट पोजीशन दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सामने रास्ता मेमन फाउंडेशन किस तरफ से वापस करीमाबाद की तरफ को आ रहा है। यहाँ पे 3 दिन पहले रोड को स्क्रैच किया गया था और उसके बाद एक बीच में नाला आ रहा है और इसको भी यहाँ से रिमूव किया गया है। ये यहाँ की फ़िलहाल करंट पोजीशन है। सुबह का टाइम है फ़िलहाल, यहाँ पे कोई टीम वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रही है काम करते हुए। बस आगे चलते हैं और अगर मैं आपको इसी तरह दूसरी साइड की पोजीशन भी दिखाऊँ तो ये सामने रास्ता वापस करीमाबाद की तरफ को जा रहा है। ये यहाँ की पोजीशन है। रोड वगैरह यहाँ के सारे स्क्रैच कर दिए गए हैं। बीच में नाला जा रहा था, इसको भी डिस्कनेक्ट कर दिया गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की पोजीशन भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये अभी जिस लोकेशन पे आगे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल एच पॉइंट है करीमाबाद का। ये सामने फ्लाईओवर भी आपको नज़र आ रहा होगा जो आयशा मंजिल से वापस लियाकताबाद की तरफ को जा रहा है, और ये सामने रास्ता जियाउद्दीन हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है। इस रास्ते को यहाँ से बंद कर दिया गया है। और मैं अगर आपको दूसरी तरफ की पोजीशन में आपको दिखाऊं तो ये यहाँ की पोजीशन है। फ़िलहाल यहाँ पे मशीनरी की टीम यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ मौजूद नहीं है और जो काम हुआ हुआ है ये आपके सामने। ये यहाँ की पोजीशन है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो रोड को स्क्रैच करके बीच के प्रणाली को डिस्कनेक्ट करके मज़ीद कोई काम नज़र नहीं आया है। ये नाले को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया गया और ये सराउंडिंग की पोजीशन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कोई भी कमेंट्स, कोई एडवाइस, कोई सजेशन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।